तो ये हमारा इलेक्ट्रिक गेट है, सबसे महंगा गेट। इस गेट की कीमत है लगभग 80 लाख रुपए। तो ये सेंसर पे है, इसको हॉर्न देने पे खुलता है। देखो अभी खुलेगा। नहीं मम्मी ऐसे बोलो, हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ। अच्छा अडॉप्ट ना हो, इसको फील ना हो कि हमने इसको बाहर से लाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब, हो कि आप सब ठीक होंगे, आपका भाई भी एकदम ठीक है। तो गाइज अभी हम निकले हैं छोटी सी राइड पे, मेरे साथ है मेरे सिबलिंग्स, भाई बहन। तो जैसे साहिल का पीयूष है ना, वैसे ही मेरा ये छोटा भाई है हनी। तो कोई नहीं, आज के बाद हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर इसी को व्लॉग में रहे, जब तक हम जम्मू में है। बैठे बैठे घर में बोर हो रहे थे क्योंकि कल तो पूरा दिन बारिश थी, इसलिए व्लॉग हम बना नहीं पाए। तो अभी हम निकले हैं छोटी सी राइड पे, कुछ खा पी लेते हैं, घूम लेते हैं और आपसे कुछ थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से जल्दी मेरे 1K कंप्लीट करो, क्योंकि 1K के ऊपर हम कुछ बड़ा प्लान रखा है। बड़ा ये है कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि आपको मोटो व्लॉगिंग, बट अभी तक मेरे पास अपनी खुद की बाइक नहीं थी। हमारा प्लान ये है कि 1K कंप्लीट होने पर हम एक बाइक लेंगे। तो बाइक कौन सी है वो आप कमेंट करके बताएं, मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, सजेस्ट करें गाइस। वाह क्या बोला तूने, सजेस्ट करें गाइस। स्प्लेंडर जो मेरे पास ऑप्शन है बाइक्स का वो है KTM RC 200, CBR 250R एंड R15 वर्जन 3। तो गाइस कमेंट करके बताएं मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो फाइनली गाइस अभी हम थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए ले आए हैं, बट हम यहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि मामा घर पे अकेले हैं। मामा के साथ शेयर करके खाएंगे, इनके साथ कौन शेयर करके खाएगा। दुआ लेनी है तो मॉम डैड की लेनी है, इनकी क्यों लेनी है। कर रहा हूँ एक्चुअली, लेट हो गया, आज फ्राइडे भी है, फ्राइडे के लिए रेडी भी होना है, उसके बाद मामा भी घर पे अकेले। सच बात है, मामा के साथ शेयर करके खाएंगे। तो मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट घर पर जाके, क्योंकि मेरा इस टाइम कंसंट्रेशन पूरा ड्राइविंग की तरफ है, तो मैं कैमरे की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, ओके ओके, घर पे मिलते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम घर पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक गेट है, सबसे महंगा गेट। इस गेट की कीमत है लगभग 80 लाख रुपए। तो ये सेंसर पे है, इसको हॉर्न देने पे खुलता है। देखो अभी खुलेगा। देखा सेंसर वाला गेट, खोलो। ओहो चंपी चंपी हो रही है। तुम्हें क्या दिख रहा है? नहीं मुझे तो दिख रहा है, मगर आज किस खुशी में चंपी चंपी हो रही है? क्यों मैं मामा से चंपी नहीं करवा सकता? आज बड़े टाइम के बाद करवा रहे हो, देखो वो बाल, देखना बाल भैया के सारे वाइट हो गए। तो आपको क्या मेरे मामा आपका हक बनता है, पूछे किस बात की टेंशन है? पूछो पूछो किस बात की टेंशन हो। तो क्या बाल बाल सब के सब कुछ दिया है भैया को, टेंशन है? देखो ये आज के छोटे छोटे बच्चों को है बस। नहीं मामा भैया को ज्यादा टेंशन है, भैया बुड्ढे हो गए हैं। मामा तो मैं बूढ़ा हूँ ना, आपको क्या? तो भैया से शादी कौन करेगा फिर? ये फंस गया। तो आपको क्या टेंशन है? टेंशन और क्या, मम्मा का घर में कोई काम करने का नहीं चाहिए? शादी करनी जरूरी है फिर? नहीं है, बहुत जरूरी है। देख अभी घूम फिर क्या है, कोई टेंशन नहीं। मॉम डैड से सिर्फ परमिशन। मम्मी इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए इसको, वाइफ लानी चाहिए, आप वो इसको अच्छे से फिर कंट्रोल करेगी इंशाल्लाह, वाइफ भी लानी। नो वाइफ नो टेंशन, शाबाश। नो वाइफ नो लाइफ, ये भी पड़ा था गाड़ी के पीछे। तो मामा को मत पड़ा, आप चुप बैठ जाओ। तुम्हें किस लिए रखा है, तुम नौकरी तो हो इस घर में। मैं क्यों नौकर? आपकी वाइफ आएगी ना यहाँ नौकर बन के, मैं क्यों उसको नौकर बनाकर थोड़ी लाऊंगा, रानी बनाकर लाऊंगा। तो रानी बुला के लाओगे ना मम्मा उसको यहाँ पे नौकर बैठो। अच्छे से 20 तक मेरे बाल टूट रहे हैं, बाल भी सफेद हो गए। भैया को मम्मा टेंशन हो गई है। किस चीज की टेंशन? शादी नहीं हो रही भैया की। बैठ चुप, मुझे करनी ही नहीं है तो टेंशन क्यों होगी? मुझे अच्छे से लगाना, अच्छे से। मैंने पता है सलमान खान का रिकॉर्ड, भैया का सर दर्द दूर हो जाए। अच्छे से मम्मा ना बहुत प्यार करती है भैया को, बहुत हद से ज्यादा। भाई बड़ा बेटा है क्यों नहीं प्यार? नहीं मम्मी ऐसे बोलो, हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ। अच्छा अडॉप्ट ना हो, इसको फील ना हो कि हमने इसको बाहर से लाया, इसलिए हम इसको बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा जिगर है।
पागल इंसान। पता है चाइल्डहुड की हमारी फोटो देखी ना दोनों की, उसमें से तू ही सबसे डिफरेंट लग रही, काली सी अलग। काली नहीं थी मैं, एक्चुअली मैं काली वाली नहीं थी, ये मुझे काजल वगैरह लगा के रखते थे, वो होता है ना बच्चे को नजर ना हो जाए, इसलिए मेरे को ना। अब देखो आप कैसे और मैं कितनी अच्छी हूं। मैं अच्छा हूं, मैं अभी भी जरूर सा मैच होता हूं, पर नहीं लग रही सूखी सी हड्डी। तब आप इतने वो होते थे ना, मतलब गोरे इसलिए होते थे क्योंकि आपको थोड़ा बाहर से लाया हुआ था ना, तो फिर मम्मा मतलब अच्छा। मैच भी नहीं होते थे आप किसी से। अच्छा हाँ सच में, जरा गौर से देखिए, मैं किसी दिन पिक दिखाऊंगी यूट्यूब पे, देख लेना देख लेना। तो गाइस बताया जा रहा है कि एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये पेपर है, हम इसको हाफ कट करेंगे, उसके बाद दोबारा पेपर इसके ऊपर रख के दोबारा कट करेंगे, मतलब जो पीस कट करेंगे उसके ऊपर रख के 7 टाइम्स से ज्यादा हम कट नहीं कर सकते। गाइस आप आयता करके दिखाएगी, देखो बड़ी कैंची के साथ, बड़ी है तो इससे बड़ी ले आओ, गार्डनर के पास होती है ना बड़ी, वो लेके आ जाओ। वाह एक साइज मैटर ही ना करता। हां सेंटर टू सेंटर, सेंटर 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 टू सेंटर, सेंटर ही है ना। एक बार हो गया, ये हो गया टू टाइम्स इसका सेंटर, ये हो गया थ्री टाइम, ये हो गया फोर टाइम, ये हो गया फाइव टाइम, कोई बात नहीं फाइव टाइम करो, सिक्स टाइम, ज्यादा मोटा नहीं हो रहा है। यही तो है यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये हो रहा है सिक्स टाइम। आपने जाके पोगो वो देखो, वो पेज खराब कर दिए, आप पोगो कटना चाहिए बस, कटना थोड़ी आप पोगो देखो जाके पहले, वो पेपर नीचे गिर रहे हैं, वो देखो कैसे खराब हो रहे हैं, सिक्स टाइम में इसने पूरा खराब कर दिया है गाइस, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, आप बताओ। चलो करो, हां चलो सेवंथ में कैसे करोगे, वैसे ये साइज के तो कटे नहीं, और ये सेवन टर्म में देखो कैसे कटे, ये एक तो साइज भी प्रॉपर नहीं कटा, और ऊपर से देखो कर क्या रही है, करो करो जाके पोगो देखो जिससे वो काटते ना वो कसाई काटते। तो गाइस कंफर्म हो गया है सेवन टर्म में, ये ट्रूथ बहुत सही है, ये नहीं कटा ये बेकार हो गया। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, नहीं मेरी तरफ नहीं करो, रहने दो छोड़ो, क्यों शर्म आती है? हाँ लड़की है, नहीं मेरी तरफ करना ही नहीं है, ये बकवास है ना, मैं डिलीट कर दूंगा ये यूनिवर्सल जो ट्रूथ था ये सच में है, आप भी ट्राई अपने घर पे कर सकते हैं, वेस्ट पेजेस का। गाइस मिलते हैं हम जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे, गुड बाय।